कहा यह जाता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन पर साल 2005 में ये एलिगेशन लगते हैं कि उनके पास खुद का एक प्राइवेट आइलैंड था जहां पर वो कम उम्र की बच्चियों से प्रोस्टिट्यूशन जैसे घिनौने काम अंजाम दिलवाता था। लेकिन ये बात तूल तक पकड़ती है जब कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और यहाँ तक फेमस साइंटिस्ट के नाम जेफरी एपस्टीन के इस प्राइवेट आइलैंड में चल रहे सेक्सुअल पार्टीज से जुड़ते हैं, जहां पर जेफरी एपस्टीन और इन बड़े सेलिब्रिटीज ने मिलकर 100 के करीब कम उम्र की लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था। इस आइलैंड के अलावा भी जेफरी एपस्टीन के पास अमेरिका में कई और प्रॉपर्टीज भी थीं, जहां पर वो अपने काले काम अंजाम देता था। लेकिन जैसे ही जेफरी एपस्टीन के इन काले कारनामों का एक डॉक्यूमेंट लीक होता है और उसमें हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने आने लगता है, तो जेल के अंदर ही जेफरी एपस्टीन की डेड बॉडी मिलती है और यूएस गवर्नमेंट उनकी मौत की वजह सुसाइड बताती है। लेकिन वहीं जेफरी के भाई का ये कहना था कि उनके मौत के पीछे की वजह असल में इन बड़े और हाई प्रोफाइल लोगों का नाम कवर अप करना था। तो आखिरकार क्या था असली सच जेफरी एपस्टीन के इस फीडोफाइल आइलैंड का, और उस लिस्ट में कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के नाम थे जिसे गवर्नमेंट छुपाना चाहती थी? Have you ever been convicted of a crime? Yes. Jeffrey Epstein. तो जेफरी एपस्टीन की काली करतूतों की खबर तब लगती है जब साल 2005 में एक लेडी फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके ये रिपोर्ट करती है कि उनकी 14 साल की स्टेप डॉटर को एक बड़ी महिला के द्वारा एपस्टीन मेंशन ले जाया गया, जहां उसको जबरदस्ती $200 देकर सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी गई थी, जिसके बाद जाकर ही पुलिस जेफरी एपस्टीन पर एक 13 महीने लंबी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन चलाती है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बताती है कि जेफरी एपस्टीन ने इस जैसी कई और लड़कियों को पैसा देकर उनका शोषण करने की कोशिश करी थी, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों की उम्र सिर्फ 14 साल के ही करीब थी, जिसकी वजह से साल 2008 में फ्लोरिडा स्टेट कोर्ट जेफरी एपस्टीन को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के केस में दोषी मानती है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी जेफरी अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से उसको उम्र कैद की जगह सिर्फ 18 महीने की ही सजा सुनाई जाती है, जिसमें से उसको बाहर जाकर काम करने तक की इजाजत मिल जाती है। लेकिन फिर भी 18 महीने की सजा के बावजूद भी जेफरी 13 महीने के अंदर ही जेल से प्रोबेशन पर छूट जाता है, लेकिन फिर भी उन पर इन्वेस्टिगेशन होना बंद नहीं होती और FBI ऑपरेशन लीप ईयर नाम से जेफरी एपस्टीन पे एक पूरी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही FBI के पैरों से मानो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि FBI को ये पता चलता है कि जेफरी एपस्टीन सिर्फ माइनर गर्ल्स को मोलेस्ट करने के लिए ही दोषी नहीं थे, बल्कि वो तो पूरा का पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में ही शामिल थे, जिसमें उसके पास एक पूरा का पूरा आइलैंड ही था जहां पर वो मसाज लेडी के नाम पर कम उम्र की लड़कियां सप्लाई करता था। और इस आइलैंड पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन भी आया करते थे, जिसमें से बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, डेविड कूपरफील्ड जैसे कई नाम शामिल थे। इसके अलावा इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये पता चलता है कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट जेफरी एपस्टीन के प्राइवेट जेट पर अक्सर एपस्टीन आइलैंड जाया करते थे। हालांकि ये बड़े सेलिब्रिटीज के नाम जो मैंने इस वीडियो में बताए, इन पर मिसकंडक्ट का आरोप कभी भी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि ये सेलिब्रिटीज कभी ना कभी एपस्टीन आइलैंड में जरूर देखे गए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब दुनिया के जाने माने कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स का नाम जेफरी एपस्टीन के साथ जुड़ता है। आपको ये बता दें, यूं तो स्टीफन हॉकिंग की पूरी बॉडी एक रेयर डिजीज की वजह से पूरी तरह पैरालाइज्ड है, लेकिन उनके नाम एपस्टीन आइलैंड से जुड़ते ही इंटरनेट पर कई मीम्स वायरल होने लगते हैं और ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ लेता है, जहां पर स्टीफन हॉकिंग पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने एपस्टीन आइलैंड पर विजिट करके माइनर गर्ल्स के साथ अंडर एज ऑर्गी जैसे सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किए थे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग का नाम सामने आने पर जेफरी एपस्टीन ने खुद ही स्टीफन हॉकिंग पर लगे एलिगेशन को बेसलेस साबित कर दिया और तो और ये बोला कि अगर कोई भी ये प्रूफ कर दे कि स्टीफन हॉकिंग असल में किसी सेक्सुअल एक्ट में शामिल थे तो वो उन्हें रिवॉर्ड तक दे डालेंगे। और वहीं एक रिपोर्ट के हिसाब से जो फोटो स्टीफन हॉकिंग की लीक हुई थी वो असल में साल 2006 की थी, जिसमें स्टीफन हॉकिंग्स और दूसरे साइंटिस्ट ने साइंस ट्रिप के लिए एपस्टीन आइलैंड विजिट किया था और इस ट्रिप के दौरान ही स्टीफन हॉकिंग ने एपस्टीन की सबमरीन पर भी सफर किया था। असल में इन सभी साइंटिस्ट का एपस्टीन आइलैंड में सफर करने का मकसद
सिर्फ यही था कि वो इस आइलैंड की ग्रेविटी पर स्टडी कर सके, और इस ट्रिप को जेफरी एपस्टीन ने ही फंड भी किया था। इसके अलावा मायामी हेरल्ड की एक रिपोर्ट के हिसाब से जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों को छुपाने के लिए और FBI की इन्वेस्टिगेशन उन पर बंद करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एकोस्टा का भी हाथ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साल 2016 में ही प्रेसिडेंट बनते ही जेफरी एपस्टीन पर चल रही FBI इन्वेस्टिगेशन भी बंद हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के भी जेफरी एपस्टीन के साथ काफी पुराना कनेक्शन था। इसी वजह से स्कैंडल के तूल पकड़ने के बाद अलेक्जेंडर कोस्टा ने रिजाइन भी कर दिया था। इसके अलावा वर्जीनिया रॉबर्ट नाम की एक विक्टिम ने जेफरी एपस्टीन पर ये भी एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने जबरदस्ती साल 2000 में, जब वो 17 साल की ही थी, तब क्वीन के तीसरे बेटे प्रिंस एंड्रयू के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पर उन्हें मजबूर किया था। हालांकि उस टाइम पर तो प्रिंस ने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया था, लेकिन फाइनली जाकर कोर्ट ने प्रिंस को दोषी पाया, जिसकी वजह से उन्हें वर्जीनिया को करोड़ों रुपए का मुआवजा देना पड़ा था। जिसके बाद साल 2019 में जेफरी एपस्टीन को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस बार कोर्ट जेफरी एपस्टीन को बेल देने से भी इनकार कर देता है। जिसके बाद जेफरी एपस्टीन न सिर्फ एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपनी पूरी नेटवर्थ जितना अमाउंट भी ऑफर करते हैं ताकि उन्हें छोड़ा जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेल नहीं मिलती। जिसके बाद जाकर 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में जेल के गार्ड को जेफरी एपस्टीन की बॉडी अनरिस्पॉन्सिव मिलती है, और उन्हें फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और 6:39 के करीब उन्हें मरा हुआ भी घोषित कर देते हैं। और जेफरी एपस्टीन की मौत की वजह को असल में सुसाइड बताया जाता है, लेकिन वहीं जेफरी एपस्टीन के भाई ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि उनके भाई ने सुसाइड किया था, बल्कि इस केस में बड़े लोगों का नाम को कवर अप करने के लिए जेफरी को मरवाया गया था। हालांकि जेफरी एपस्टीन की अचानक से मौत कई सवाल तो खड़े करती है, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब CCTV फुटेज खंगाली जाती है तो तब जाकर ये पता चलता है कि जेल में मौजूद सभी CCTV कैमरास बिल्कुल ठीक थे, पर जेफरी एपस्टीन के सेल में लगे दोनों कैमरा ही खराब कर दिए गए थे। और तो और जिस रात जेफरी एपस्टीन की मौत हुई थी उस रात जेल के कई प्रोटोकॉल्स को भी तोड़ा गया था, जो काफी हद तक ये प्रूफ करता है कि जेफरी एपस्टीन ने असल में सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनको मरवा दिया गया था ताकि इस केस में जुड़े बड़े और हाई प्रोफाइल लोगों का के नाम को दबाया जा सके, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के नाम असल में पब्लिक के सामने तभी रिवील हुए थे जब जेफरी एपस्टीन की मौत के बाद उनसे जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिवील हो गए थे। उससे पहले पब्लिक आई में जेफरी एपस्टीन सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ही दोषी था। हालांकि जेफरी की मौत के बाद उनका केस तो बंद होने के ही कगार पर था, लेकिन वहीं अब कोर्ट ने अपना फोकस उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जिजलेन मैक्सवेल पर शिफ्ट कर लिया था, जो कि जेफरी की तरह ही इस केस में इक्वली दोषी थी और अक्सर जेफरी एपस्टीन को कम उम्र की लड़कियां सप्लाई करने में मदद करती थी। लेटर कोर्ट ने जिजलेन को दोषी पाया और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जेफरी की मौत के बाद एक और थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी कि जेफरी एपस्टीन की मौत के पीछे की असली वजह असल में इजरायली एजेंसी मोसाड थी, और इसी थ्योरी के हिसाब से ही जेफरी एपस्टीन असल में एक मोसाड एजेंट थे, और वो मोसाड के प्लान के तहत ही बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को कम उम्र की लड़कियां प्रोवाइड किया करते थे, ताकि मोसाड उन सभी बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को बाद में ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा सके। और तो और फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहूद बराक को भी जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों के बारे में सब कुछ पूरी तरह से पता था। तो आपको क्या लगता है, क्या थी असली वजह जेफरी एपस्टीन की मौत की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।